बच्चों, आज हम थोड़ा सा जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट का, दैट इज चार्जिज एड्रेस्ट, ओके, उसका थोड़ा सा हम वन शॉट में रिवीजन करेंगे। और इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, शुरू में हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैट है बेसिकली वो सिंपली स्टडी ऑफ चार्जिज एड्रेस्ट। ओके, यू शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिकॉज इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, चार्जेस। ओके, और जो स्टैटिक वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, सो स्टेट ऑफ रेस्ट ये वाला, ठीक है। सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर चार्जेज एट रेस्ट। ओके, और फिर एक और बात करी थी कि जो आपकी चार्ज है, चार्ज बेसिकली उसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो जो चार्ज है बेसिकली, चार्ज यू नो दैट इट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर स्टडीड इन मैटर। ओके, सो उसके बाद चार्जिंग करने के तरीके बताए थे बॉडी को। सो बॉडी कैन बी चार्ज्ड इन थ्री वेज। नंबर वन बताया था मैंने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है, बाई फ्रिक्शन वी कैन चार्ज बॉडी, ठीक है। रबिंग से चार्ज करना, जैसे मान लो आपने दो मटेरियल्स हैं, जैसे कॉलम वन में आपने ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड को आपने रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है। फिर आपने लिया फर और लिया वूल, ठीक है, और फ्लैनल, इनको आपने रब किया किसके साथ, एबोनाइट रॉड के साथ, एबोनाइट रॉड। ओके, सो जैसे ड्राई हेयर है आपके, सूखे बाल हैं, ठीक है, ड्राई हेयर में यदि आप कॉम चलाएंगे तो आपको पता है वो भी चार्ज हो जाएंगे, आपके हेयर भी और कॉम भी चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। और फिर मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि बूल को, जब एम्बर एक मटेरियल होता है, पेड़ों से जो गोंद की तरह चीज़ निकलती है उसको बोलते हैं एम्बर। तो ये मटेरियल मैंने यहाँ लिस्ट किए, तो ये मटेरियल जब आपने रब किए, जो आपको कॉलम वन में मटेरियल दिखाए जा रहे हैं वो आपने याद रखने हैं कि ग्लास रॉड बताया मैंने, ग्लास रॉड को रब किया सिलक के साथ, फर और बूल और फ्लैनल को रब किया एबोनाइट रॉड के साथ, है ना। फर, बूल और फ्लैनल ये ऊन की तरह चीज़ें होती हैं, ऊन आपने दिखाई है। ड्राई हेयर में जब आपने कॉम चलाई तो ड्राई हेयर कॉम इलेक्ट्रीफाई हो गया। तो जो कॉलम वन में बॉडीज़ हैं उनके ऊपर जो चार्ज आएगा आफ्टर रबिंग, वो आएगा, वो चार्ज आने वाला है पॉजिटिव। सो इस कॉलम में इधर का आएगा पॉजिटिव, इन बॉडीज़ को यहाँ क्या आएगा बोलो, नेगेटिव। तो जब ग्लास रॉड को रब करेंगे सिलक के साथ तो ग्लास रॉड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिलक क्लॉथ विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। वैसे ही यहाँ, वैसे ही यहाँ, ठीक है। एबोनाइट रॉड पे कौन सा आएगा बोलो, नेगेटिव। फर, बूल या फ्लैनल पे कौन सा आएगा बोलो, पॉजिटिव। ड्राई हेयर को जब हम रब करते हैं कॉम के साथ तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज और कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वैसे ही बूल एम्बर के साथ रब करेंगे तो बूल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एम्बर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। बेसिकली हुआ क्या कि जैसे आपने ये मान लो ग्लास रॉड थी, ठीक है, इसको आपने सिलक क्लॉथ के साथ रब किया, ये सिलक का क्लॉथ है, ठीक है जी, और ये आपका ग्लास रॉड है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है, रबिंग से चार्ज क्रिएट नहीं होता, ठीक है, चार्ज ऑलरेडी था वहाँ बॉडीज पे। आपको पता है रबिंग से पहले ये भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये भी न्यूट्रल है, जितने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सो नेट चार्ज कितना है, जीरो। ऐसे सिलक के पास है जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं, तो नेट चार्ज क्या है, जीरो। अब जब इन मटीरियल्स को आप रब करेंगे सो रबिंग से बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक मटीरियल से दूसरे की तरफ। सो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ प्रोटॉन बढ़ गए, और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़े उतने यहाँ प्रोटॉन्स बढ़ गए। सो जितना पॉजिटिव चार्ज इस मटेरियल पे आएगा,
चार्ज का सिंबल क्यू होता है, ऐसे जनरली समझने के लिए। प्लस टू क्यू यदि इस ग्लास रोड पे आया तो बताओ सिलिक पे कितना आया होगा, माइनस टू क्यू वे रखेंगे, जितना पॉजिटिव यहाँ आएगा उतना ही नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं सिलिक रोड की तरफ, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए वो मटेरियल कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेता है, कौन सा चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, नेगेटिव। और जहाँ से चले गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्सेस मीन ज़्यादा हो गए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं, जैसे एबोनाइट रॉड को रब करेंगे फर के साथ तो क्या होगा, तो फर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एबोनाइट रॉड की तरफ, तो एबोनाइट रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। कोई पूछे कि इधर से इधर क्यों नहीं गए, सिलिक से ग्लास रॉड की तरफ क्यों नहीं गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड नहीं है, वो लूजली बाउंड है एज़ कम्पेयर टू सिलिक क्लॉथ। यहाँ वो लूजली बाउंड है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो फोर्स है उनके ऊपर वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से छूटना आसान है। तो सो ग्लास रॉड से कहाँ ट्रांसफोज जाएंगे, वो सिलिक क्लॉथ की तरफ, ठीक है। और वैसे यहाँ यहाँ कहाँ होंगे, फर से कहाँ जाएंगे बोलो, एबोनाइट रॉड की तरफ, एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव आएगा, है ना। और यहाँ से ये यहाँ यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिलिक। जितने मटीरियल यहाँ कॉलम वन में कॉलम टू में लिस्ट किए गए हैं, वहाँ कॉलम वन से कॉलम टू की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की, ओके। सो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है बेसिकली उसका जो नेचर होता है वो एडिटिव होता है। पहली बात ये रख लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव नेचर होता है चार्ज का। एडिटिव का मतलब है कि ये बॉडी है मान लो कोई, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, आपको बताया मैंने। जैसे मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस टू क्यू चार्ज है, माइनस सेवन क्यू चार्ज है और प्लस थ्री क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना है जोड़ दो, तो नेट चार्ज हो जाएगा प्लस टू क्यू माइनस सेवन क्यू प्लस थ्री क्यू, कितना आ जाएगा, स्केलर ऐड करो, तो ये आ जाएगा माइनस पाँच क्यू और प्लस, तो नेट चार्ज आ जाएगा यहाँ पे माइनस टू क्यू। प्लस दो माइनस सात कितने होते हैं, माइनस पाँच, माइनस पाँच और प्लस तीन बोलो कितने हो गए, माइनस दो, साथ में कौन है क्यू। तो ये होता है एडिटिव नेचर का, मतलब कि सिंपली किसी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो उसका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, जोड़ देंगे मतलब, तो नेट चार्ज हो जाएगा ये। जैसे कोई बॉडी थी इसके ऊपर जो चार्ज थे वो ये थे, अलग अलग जगह पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो नेट चार्ज कितना होगा टोटल, जोड़ दो, अल्जेब्रिक सम कर दो, वो होता है एडिटिव नेचर का मतलब, ठीक है। दूसरा है इनवेरियंस नेचर ऑफ चार्ज। इनवेरियंस का मतलब होता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर जितना चार्ज है, बॉडी मोशन में भी चले जाए तो चार्ज सेम ही रहेगा। तो चार्ज ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए बॉडी इन मोशन, मतलब मोशन का कोई इफेक्ट नहीं है, जितना बॉडी पे चार्ज, जब बॉडी रेस्ट में थी जितना चार्ज था उतना ही उसके ऊपर चार्ज रहेगा यदि बॉडी मोशन में चली जाए, ठीक है। तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका क्या मतलब है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब है कि चार्ज पैकेट्स में उपलब्ध होगा, इट इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है। पैकेट्स का मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी के जो चार्ज है, हमारे यहाँ क्यू है, वो सिंपली पॉजिटिव हो सकता है या क्या हो सकता है, नेगेटिव। वो एक नंबर है जिसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, इसका वो इंटेग्रल इंटीजर है यहाँ, ठीक है ना, मल्टीपल होगा, आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इस एलिमेंट्री चार्ज को बोलते हैं बेसिकली चार्ज ऑन प्रोटोन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटोन और बोल देंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटोन पे होगा तो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटोन और क्या बोलेंगे इसको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और वो कितनी होती है वैल्यू, तो ई की जो वैल्यू होती है, यदि यदि वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ये करके, इतना होता है, ठीक है। तो ये
इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन ले लेना है, और यदि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। एलिमेंट्री चार्ज किसको बोलते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और चार्ज ऑन क्या भाई? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो कॉन्टेंजेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिंपली मिल्लिकन ऑयलड्रॉप एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा चुका है कि चार्ज जो होगा वो इस ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी बॉडी पे। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इस नंबर को आप याद रखेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव वैल्यू बोली तो प्रोटॉन का, नेगेटिव बोली तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो चार्ज बॉडी पे क्या क्या हो सकता है, ये वैल्यूज हो जाएंगी। पहले जब हम एन की वैल्यू 1, एन या टी से, एन का मतलब यहाँ 1 2 3 4, एन या 1 2 3 4 जीरो होगा तो बॉडी न्यूट्रल होगी। ठीक है। तो एन की वैल्यू 1 पुट करूँगा मैं तो ई आ जाएगा, तो कितना आएगा बोलो? 1.6 × 10⁻¹¹ कूल। अब एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 तो कितना आ जाएगा? 3.2। ठीक है। और फिर 3 पुट करो तो 16 का किस्म से भी 16 का टेबल शुरू हो गया, देखो बीच में डेसिमल है। 4.83 वैल्यू पुट करेंगे, 16 3 कितने होते हैं? 16 3 = 48, बीच में डेसिमल है ये, तो बदलेगा मतलब यही वैल्यूज होंगी ये। ठीक है। अब किसी ने ये बोला कि यहाँ जो चार्ज होगा बॉडी पे वो 1.5 ई हो जाएगा, ये तो फ्रैक्शनल मल्टीपल हो गया। एक फ्रैक्शन, ये 1.5 क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल मल्टीपल थोड़ी होगा, इंटेग्रल मल्टीपल होगा टीचर। मतलब इस नंबर को आप मान लो ये एक फिक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ फ्रैक्शनल मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। आप यहाँ सोच सकते 1.7, 2.3, 3.8, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब चार्ज ये नहीं हो सकता कि 1.4 ही है ना, 1.5 ही, 1.9 ही, 7.2 ही। ठीक है। मतलब बोलने का कि ई का, ई मैंने आपको बता दिया, ई ई ये होता है, तो ई का फ्रैक्शनल मल्टीपल चार्ज पॉसिबल ही नहीं। तो चार्ज होने बॉडी जो होगा वो हमेशा क्या होगा? इंटेग्रल मल्टीपल होगा ई का, फ्रैक्शनल मल्टीपल होगी। मतलब क्या किसी बॉडी के ऊपर माइनस प्लस माइनस कुछ भी ई हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज 1.5 तो फ्रैक्शन है। क्या क्या संभावना हो सकती है? +1 ई, +-1 ई, +-2 ई, यही संभावना है, यही हो सकता है। फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकता, ये यही बॉडी के ऊपर चार्जेस संभव हैं, ये संभव नहीं है। ठीक है। सो चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये होता है सिंपली कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का, ये होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, याद भी काम आएगा इसको, ये याद कर लेते हैं। ये है यूरेनियम का न्यूक्लियस, इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड करेंगे तो यू विल फाइंड इसमें निकलेंगे बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है। और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी ई बोल दिया मैंने। ठीक है। और यहाँ क्रिप्टॉन का होता है अटोमिक नंबर 36, यहाँ होता है 92, और बेरियम का होता है 56, और यहाँ होता है 141। अब इसको देख लो, मैं बोलूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि बाहर से उस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं सिस्टम पे, वो सिस्टम होता है आइसोलेट। तो आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, नेट चार्ज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ नंबर ऑफ प्रोटोन जिसमें देखो कितने हैं, इधर ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए। सो ए बिफोर फ्यूजन रिएक्शन, बिफोर न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोटोनों की संख्या है वो बताओ मेरे को, है ना? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, प्रूव करिए। बिफोर फ्यूजन प्रोटॉन है यूरेनियम के न्यूक्लियस में 92, और यहाँ आ गए 0, तो कितना आ गया बोलो? आफ्टर फ्यूजन 92 आ गया ना, आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन कौन बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ 56 हैं बेरियम में,
ठीक है। और यहाँ कितने हैं क्रिप्टोन में, 36, और यहाँ 3 × 0 = 0 हो गया, इज इक्वल टू 92। सो जितने प्रोटोन न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले हैं उतने ही न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हैं। तो चार्ज शुरू में न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले 92 प्रोटॉन्स के बराबर है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद भी चार्ज जो है वो 92 प्रोटॉन्स के बराबर ही है। यदि हम 92 को चार्ज नंबर बोल दें तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज नंबर बिफोर न्यूक्लियर फ्यूजन इज इक्वल टू चार्ज नंबर आफ्टर फ्यूजन, समझे आप। तो इसका मतलब चार्ज हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। सो इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपली मींस आइसोलेटेड सिस्टम में, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तुमने एग्जांपल दिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का, बेरियम है, क्रिप्टॉन है यहाँ पे ना। कि फ्यूजन रिएक्शन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले चार्ज है वो कितना है, 92 प्रोटॉन्स के इक्वल, और फ्यूजन के बाद भी 92 प्रोटॉन्स के इक्वल ही रहा। इसका मतलब चार्ज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। नंबर ऑफ प्रोटॉन को चार्ज नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यदि दूसरे तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने लिखना है तो उसमें सिंपल है कि चार्ज ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या हो सकता है भाई, ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। उसने हमने आप सिंपल बताया था कि ग्लास रॉड को जब रब किया आपने सिलिक क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड शुरू में न्यूट्रल था, सिलिक क्लॉथ भी न्यूट्रल था, जितने प्रोटॉन थे जितने ही इलेक्ट्रॉन थे। तो नेट चार्ज क्या था रबिंग से पहले, जीरो। नेट चार्ज रबिंग से पहले क्या था, जीरो। तो सिस्टम का नेट चार्ज भी जीरो ही था। सिस्टम में दो बॉडी में ग्लास रॉड थी और दूसरा क्या था, सिलिक क्लॉथ था। रबिंग के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए, चार्ज ट्रांसफर हुआ सिर्फ और कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के ग्लास रॉड से सिलक की तरफ। सो मैंने बोला है यहाँ प्रोटॉन बढ़ गए फिर और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ठीक है। सो नेट चार्ज, चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना। सो नेट चार्ज क्या हुआ, नेट चार्ज मैंने समझाया था आपको कि यहाँ यदि प्लस टू क्यू आया तो उतना ही नेगेटिव सिलक पे आएगा। सो नेट चार्ज आफ्टर रबिंग कितना हो जाएगा, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू, जीरो। रबिंग से पहले भी कितना था, जीरो। रबिंग के बाद भी कितना था, जीरो। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, व्हाट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो ये था। सो आगे चलते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका यहाँ हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो आपका कूलम्स लॉ है, ठीक है। सो रबिंग को करने से पहले एक थोड़ी सी और बात करेंगे कि रबिंग में मान लेते हैं कि जैसे ग्लास रॉड थी, पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, ये सिलिक क्लोथ था, क्या चार्ज था इसके ऊपर, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे ग्लास रॉड से, किधर गए थे बोलो, ग्लास रॉड से गए थे सिलक की तरफ, ऐसा ही था ना। समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ ग्लास रॉड से सिलक की तरफ तो अपना चार्ज भी ले गया साथ में, मैग्नीट्यूड में ई है वो, मैंने बताई इसकी वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है ना, मैग्नीट्यूड में ई, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, ई की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूल। अच्छा दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2e चला जाएगा, 3 चले गए तो 3e चला जाएगा, कहाँ से कहाँ चले गए, ग्लास रॉड से सिलक की तरफ। अच्छा ठीक है जनरलाइज कर दो, यदि n इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, 1, 2, 3 की जगह क्या हो जाएगा, n। चार्ज का सिंबल क्या बताया हमने, q। सो q चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा एक मटेरियल से दूसरे की तरफ। तो ये रखें आप ध्यान कि जब रबिंग के दौरान इफ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉडीज पे जो चार्ज आता है वो q = n, एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरी पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो सिलिक पे जो चार्ज आया वो आ गया माइनस, नेगेटिव आएगा ना, देखो ये आ गया मान लो -4.8 μC, ठीक है। ग्लास रॉड को जब सिलिक के साथ रब किया गया तो सिलिक के ऊपर इतना चार्ज आया सपोज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए ग्लास रॉड से सिलिक की तरफ, तो इस पर आपसे एन पूछा जा रहा है। तो एन निकालो यहाँ से क्या होगा, क्यू पॉन ई, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्यू पॉन ई,
और क्यू कितना दिया हुआ है बोलो, -4.8 माइक्रो का मतलब होता है अभी 10^-6 कूलम, क्यू की वैल्यू पुट कर दी ठीक है। और मैग्नीट्यूड लिखना है, यदि मैग्नीट्यूड लिखना है तो 4.8 माइनस में लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो फिर यहाँ माइनस कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 × 10^-19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 16 3 जा होता है 48, और ये 19 माइनस के ऊपर जाएंगे तो ये बन जाएंगे प्लस, प्लस 19 में से माइनस के 6 गए तो ये 10^13 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ग्लास रॉड से किधर, सिलक की तरफ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या वहाँ मास भी ट्रांसफर हुआ। देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अपना मास भी तो साथ ही ले जाएंगे, तो यस देर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से यहाँ क्लास रोड से, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ ट्रांसफर हो गया, दो जाएंगे तो दो का हो गया, और यदि इतने सारे चले जाएंगे तो इतने इलेक्ट्रॉनों का मास भी साथ में चला गया, तो यस देर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वन मटीरियल टू अनदर। सो मास ट्रांसफर कितना होगा बोलो, तो मास ट्रांसफर हुआ यहाँ ग्लास रॉड से सिलक की तरफ, मास ट्रांसफर दैट इज इक्वल टू कितना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 3 × बोलो 10^13 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया होगा वहाँ पे, जैसे ये होता है याद भी रखें, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना के जी। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिलिक की तरफ ट्रांसफर हुआ तो इतना मास ले गया वो साथ में, तो इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, बहुत सारे हैं भैया, तो 3 × 10^13। सो 3 × 10^13 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गए, 3 × 10^13 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास, मल्टीप्लाई कर दो, सो यस दे ट्रांसफर मास इतना के जी फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क है ना। सो ये था, और यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है जी। सो हम बात करेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम लॉ सिंपली स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लगता है, यदि आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज हैं, सिंबल होता है चार्ज का क्यू, दूसरा है क्यू टू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो आपको पता है ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और यदि एक नेगेटिव है तो क्या होगा, ये नेगेटिव इस तरफ खींचेगा, और जो नेगेटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। कूलम लॉ सिंपली मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज सिंपली यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पहले रखें ध्यान, यहाँ ये जो लिखन क्यू वन क्यू टू, यदि नेगेटिव क्यू टू है तो भी आपने यहाँ क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ही लेते हैं यहाँ पे ठीक है। और दिस फोर्स यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, और यदि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये फोर्स जो है इसको बोलते हैं कूलम्स फोर्स, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा के, तो ये आ गया अभी कूलम्स का, और ये कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के जो है ये सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा कि कौन से सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, SI में कर रहे हैं, CGS में कर रहे हैं ठीक है, और नेचर ऑफ मीडियम जो प्रेजेंट है चार्जेस के बीच, नेचर ऑफ मीडियम मतलब चार्जेज आपने कहाँ रखे हैं, वाटर में है कि एयर में, तो मीडियम का इफेक्ट पड़ेगा ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन चार्जेस। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के कूलम्स लॉ में, ये ध्यान रखें ठीक है। तो इस के की वैल्यू SI, मैंने बोला सिस्टम यूनिट्स पे डिपेंड करता है, तो SI सिस्टम में जो के होता है वो होता है, याद रखें, पाया गया है 1/4 pi, एक नया कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आती है बेसिकली वो आती है 9 × 10^9, इसकी एक ही वैल्यू याद रखें SI सिस्टम में 9 × 10^9 ठीक है। और ये आई कहाँ से, 4 pi 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे, इसको बोलते हैं भाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हमने चार्जेस कहाँ लिए हैं बोलो, वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब होता है फ्री स्पेस, कोई मीडियम नहीं है, तो वैक्यूम की ये क्या है, परमिटिविटी,
क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ व्हाट, वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है जी। तो याद रखें तो कूलम्स लॉ बन जाएगा, फिर यहाँ से बोलो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर, के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके की, वन अपॉन क्या बताया मैंने, फोर पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू याद भी रखें, नाइन इंटू टेन ओवर नाइन इंटू ये क्यू वन क्यू टू चार्जेस का प्रोडक्ट बट इट इज स्क्वायर, तो ये होता है कूलम्स लॉ, जब चार्जेज आपके स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज हैं और वैक्यूम में लोकेटेड है, ठीक है। और अब इस के की जो वैल्यू है ये देखो, यहाँ से के निकालूँ यदि मैं, तो के हो जाएगा यहाँ से बोलो कितना हो जाएगा, के यहाँ से के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ से एफ आर स्क्वेयर अपॉन क्यू वन क्यू टू, अब एफ आर स्क्वेयर अपॉन क्यू वन क्यू टू हो गया ना के, सो तो ये बता रहा था मैं एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन वट आर स्क्वेयर, तो यहाँ से बोल रहा था ना के इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वेयर क्यू वन इंटू क्यू टू। अब मेरे को बताओ कि जो के है बेसिकली इसके यूनिट क्या होंगे एस आई में, तो यहाँ एफ का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वेयर, मीटर आर का स्क्वेयर है ना, अपॉन चार्ज गन कूलम, इसका भी कूलम इसका भी कूलम, तो कूलम का स्क्वेयर हो गया, तो ये आ गया अभी न्यूटन, ये आ गया कूलम पर आ गया माइनस टू, तो ये वैल्यू अपनी आपने जो मैं के की वैल्यू भी बता रहा था वो क्या थी बोले, पर फिर वन अपॉन कितनी बताई थी, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको सॉल्व किया तो कितनी आई, नाइन इंटू टेन रेज पावर नाइन, साथ में यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर माइनस है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिए। यहीं से मैं आपसे एप्सिलॉन नॉट का पूछूंगा, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, इसको उलट हो जाएगा, इनवर्सली है और फोर पाई का कुछ नहीं होगा, तो आ जाएगा न्यूटन की पावर यहाँ वन है तो यहाँ कितनी हो जाएगी माइनस वन, मीटर की टू है तो यहाँ आ जाएगी माइनस टू, कूलम की माइनस टू है तो कूलम का ही आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए कि डायमेंशनल फॉर्मूले की यदि बात करें तो Q एक नई चीज़ आ रही है यहाँ, तो Q होता है करंट इनटू टाइम, याद रखें अभी करंट पढ़ेंगे अभी, तो करंट का जो यूनिट होता है ना वो एम्पियर पढ़ा ए, इसको बोलते हैं एम्पियर, और टी का हो गया टाइम, तो जब जब आप कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आपने ए टी लिखना उसकी जगह, ए टी का मतलब एम्पियर टाइम, समझ गया आप मेरी, तो यहाँ देखो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं के का, बोलो एफ का बोलो एम एल टी माइनस टू, आर मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स एल, तो हो गया एल का स्क्वेयर अपॉन क्या बताया मैंने क्यू, क्यू का ए टी एम्पियर टाइम, तो ए टी ए टी दो बार आ गया ना, तो ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो जाएगा, इनको इकट्ठा करो तो बन जाएगा देखो एम एल, एल की पावर यहाँ वन है यहाँ टू है तो कितनी हो गई थ्री, और टी की पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस टू और आएंगे हो जाएगी माइनस फोर, और एम्पियर स्क्वेयर ऊपर जाके एम्पियर माइनस टू हो जाएगा, तो ये है डायमेंशनल फार्मूला के का, इस के का डायमेंशनल फार्मूला। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, सिर्फ यहाँ रिवर्ट करना है आपने, यहाँ पावर मतलब साइन चेंज कर देने पावरों के, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है बोलो, एम माइनस वन एल माइनस थ्री हो जाएगा पावर, ठीक इन्वर्सली है ना, टी फोर हो जाएगा और एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का ही आ गया डायमेंशनल फार्मूला। और सी जी एस में इस के की वैल्यू वन होती है, याद रखें ये वैल्यू लिखी गई है या साइन होती है भैया। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे क्या है, सो आगे है कि जो आपका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का होता है भी? क्या होता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंबल होता है के, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है। अच्छा यदि चार्जेस वैक्यूम में थे तो फोर्स बता दिया मैंने आपको, अभी बताया था कूलम्स लॉ में जो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं यदि वो वैक्यूम में हैं, क्यू वन है दूसरा क्यू टू है, तो ये होगा उनके बीच फोर्स। अच्छा सेम सिस्टम उठा के किसी मीडियम में डाल दिया, पानी में डाल दिया या कहीं और डाल दिया, ठीक है, तो फिर वहाँ पे मीडियम की ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, अब मीडियम की परमिटिविटी के साथ नॉट नहीं लगाएंगे बस रखेंगे ध्यान, तो ये मीडियम मीडियम जैसे पानी है मतलब, तो पानी की परमिटिविटी हो गई है क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वेयर, ठीक है, इसको इक्वेशन वन बोल दो, इसको टू बोल दो, यदि मैं वन अपॉन टू करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एफ वी अपॉन एफ एम,
तो कैंसिल करो इनको। जब इसको 1.2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारा ये 1.45 कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा बोलो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं के, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये बना फॉर्मूला, ठीक है। सो डिफाइन इट नाउ। सो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इन मीडियम एंड दे आर सेपरेटेड बाई सेम डिस्टेंस। सो ये होता है मतलब एफ वी अपॉन एफ एन होता है, ठीक है। सो अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन निकालना हो तो यहाँ से निकालो, एप्सिलॉन कितना हो जाएगा यहाँ से, के टाइम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के द्वारा लिख दो, फोर्स चार्जेस के बीच मीडियम में ये हो जाएगा 1.4 पाई, एप्सिलॉन की जगह क्या लिखना है बोलो, इसकी जगह के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, आगे Q1 Q2 अपॉन ये रखेंगे मीडियम में, ये होता है फोर्स चार्जेस के बीच। तो के जो है बेसिकली वो आपने याद रखना है, जो के है ये के वाटर के लिए होता है 80, के फॉर वाटर इज 80। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि वैक्यूम में फोर्स चार्जेस के बीच मान लेते हैं एफ है, तो पानी में जाके, पानी मीडियम हो गया है वाटर, पानी में जाके फोर्स कितना हो जाएगा, एफ अपॉन 80 हो जाएगा। तभी तो फिर के कितना आएगा, देखो तो के आ जाएगा एफ वी अपॉन एफ एम, एफ वी कितना है एफ, पानी में जाके फोर्स कितना हो गया, एफ अपॉन 80 हो गया, है ना, एफ अपॉन कितना हो गया 80 हो गया। सो ये 80 है यहाँ पे, एफ अपॉन 80, एफ एफ कट गया और 80 ऊपर चला गया, तो के कितना आ गया 80। तो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वाटर का ध्यान रखें 80 होता है। जैसे किसी ने बोला कि जी 160 न्यूटन फोर्स है दो चार्जेस के बीच वैक्यूम में, अब उनको पानी में ले गए तो कितना हो जाएगा, पानी में मैंने बताया जो फोर्स हो जाएगा वाटर में वो हो जाएगा, वैक्यूम में कितना था, हाँ तो वो हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा बोलो, ये पाया गया है तो कितना आ गया 2 न्यूटन, ठीक है। एक बार फिर, वैक्यूम में यदि फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच 160 न्यूटन है, तो वही सिस्टम यदि मैं वाटर में ले जाऊँ तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, 2 न्यूटन होगी। तो मीडियम क्या था यहाँ बोलो, वाटर। तो वाटर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन दोनों को बटा कर दो, 160/2, ठीक है, 160/2 बोलो कितना आया 80। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का याद रखिए 80। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे क्या है, आगे ये है देखो कि कूलम्स लॉ को यदि आप लिखना चाहें तो जल्दी से लिख दो इसमें वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो भी ऐसे सिंपल है, वेक्टर फॉर्म में आ गया, देखो एक पॉइंट चार्ज Q1 है दूसरा Q2 है, रिपल्सिव फोर्स होगा इन दोनों में क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इधर को जाएगा किसकी वजह, इसकी वजह से, और ये कहाँ जाएगा, इधर को जाएगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, तभी हो रहा है रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जी ये गया इधर को, कौन गया इधर को, पहला गया इधर को F1, किसकी वजह से गया, 2 की वजह से, तो इसके पड़ेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो ये तो दूसरा है, इसको भी तो फोर्स लगा इसकी वजह से, तो ये जाएगा फोर्स ऑन टू Q2 ड्यू टू Q1, इधर के दोनों बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी इधर जा रही है तो उसकी डायरेक्शन मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर दे रहा है R12, और कोई क्वांटिटी इधर जा रही है तो उसकी डायरेक्शन दे रहा है R21। देखो भाई R21 इसलिए लिखा बिकॉज 2 से 1 की तरफ, इधर को R12 मीन्स 1 से 2 की तरफ, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 बोलो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड फोर्स का वैक्यूम में, है ना, इनटू डायरेक्शन। अब देखो आप F12 की डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर कौन है F12 की डायरेक्शन में, मतलब इधर को, हाँ राइट से लेफ्ट की तरफ कौन है यूनिट वेक्टर, ये है R21, तो ये देगा डायरेक्शन R21, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये होगी डायरेक्शन, कैप लगाते हैं ऊपर पता है आपको, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही देता है दियो वेक्टर की, तो दियो वेक्टर कौन है यहाँ F12। सिमिलरली यदि मैं F21 भी लिख सकता हूँ, सो यहाँ से देखते जाना अब कि F21 लिखा हुआ मेरे को,
जैसे एफ वन टू लिखा, ये फोर्स इसको भी लगा इसकी वजह से, दिस इज फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन। फिर 1.4 पे एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा, वैक्यूम में है Q1 Q2 मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, दोनों को बराबर झटका लगेगा, लेकिन इस दिशा में इस तरफ ये लगा लेफ्ट से राइट। सो लेफ्ट से राइट यूनिट वेक्टर कौन है, R12, तो यहाँ R12 आएगा। ठीक है, अब R12 और R21 एक दूसरे की अपोजिट हैं, सो R12 जो है ये माइनस R21 लिख सकते हैं, कैप है यहाँ, कैप ये वेक्टर नहीं है। जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत डायरेक्शन में हैं। सो आप क्या करेंगे, सो आप यहाँ इन दोनों को बोल देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिकॉज ये जा रहा है लेफ्ट से राइट ये वाला, और ये वाला जा रहा है राइट से लेफ्ट, अपोजिट है ना, दिख रहा है यहाँ पे। यदि अपोजिट हैं तो फिर इनके बीच क्या लगा दिया माइनस, इसका मतलब यहाँ R12 की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस R21 लिख दो, तो F21 हो गया 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 बटे R² इंटू माइनस, क्या लिखना है बोलो, R21 है ना, और इस माइनस को बाहर लिख दो, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस 1/4 pi, इस माइनस को मैंने बाहर लिख दिया यहाँ, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² और इंटू क्या बचा के R21। अब इसको यदि मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ तो कौन बताएगा इक्वेशन वन से ये सारी की सारी चीज़ किसके इक्वल है, F12 के, देखना जरा सारी की सारी चीज़ किसके इक्वल है, F12 के। सो F21 इज इक्वल टू माइनस, आगे के सारा का सारा क्या है ये बोलो इक्वेशन वन से, F12 वेक्टर लगा, इसका मतलब ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, तो एक्शन रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के साथ कैसे हैं, मैग्नीट्यूड इनका सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक एक्शन हो गया तो दूसरा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसका मतलब कूलम्स लॉ ओवे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो ये था, और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो आपका कूलम्स लॉ है इसको फिर हम लिख देंगे, कूलम्स लॉ को लिखना है पोजीशन वेक्टर्स के रूप में। ठीक है, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर में या तीन नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, इसमें सिंपल है, देखो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको पोजीशन वेक्टर दिखाना है, तो ओरिजिन आ गया बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जेड। ठीक है जी, अब यहाँ आपने एक्स वाई प्लेन में एक ये ले लिया और दूसरा आपने ये ले लिया, यहाँ इस लोकेशन पे Q1 है और यहाँ Q2 है सपोज, तो ये आपको पता ही है कि इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, ओरिजिन से इसकी पोजीशन की तरफ खींचा गया वेक्टर, और ओरिजिन से इसकी पोजीशन की तरफ खींचा गया वेक्टर, तो वो होगा R2। ठीक है जी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप ले लो R, और यदि कोई चीज़ Q2 से Q1 की तरफ जा रही है तो उसकी दिशा ले लो R21। क्या ले ली, R21। तो अब इसको टेस्ट करूँगा, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर जाएगा, इसी लाइन पे जाएगा, इधर को कितने फोर्स से जाएगा बताओ, पहले पे लगा फोर्स, पहला ये था Q1, दूसरे की वजह से लगा, तो F12 हो गया ये। ठीक है, F12 वेक्टर लगा देंगे ऊपर, तो F12 किस दिशा में है बताओ, Q2 से Q1 की तरफ, और Q2 से Q1 की तरफ जो डायरेक्शन दे रहा है वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21, कितना है ये R21, इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ रहा है, तो मुझे F12 लिखाओ यहाँ से, तो भाई F12 हो जाएगा यहाँ से, कॉन्स्टेंट को K बोल देते हैं, 1.4 pi epsilon naught Q1 Q2 बटे R² और ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, F12 इधर को है, इधर को है, और इधर को कौन सी डायरेक्शन है देखना जरा, यूनिट वेक्टर कौन है इधर को, R21, उसको भी क्या लगाते हैं, क्या है। ठीक है, अब मेरे को कौन बताएगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा करो इस इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई कर दो, अगला स्टेप है ये, लो जी यहाँ R से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और R से ही डिवाइड कर दिया, जब R से डिवाइड करूँगा तो R यहाँ एक और आ जाएगा, तो R की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, 3। अगर बता
आर की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट ए पे प्रेजेंट है और ये पॉइंट बी पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब कौन बताने जा रहा है कि ये क्या बन गया। देखो ये बन गया, देखो ये बना किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन। तो इस लाइन को देखो आप, इस लाइन का मैग्नीट्यूड क्या है, इस लाइन की लेंथ वो क्या है रे, ये जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच कितनी है, वो आर। तो ये मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन तो वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर कौन बनेगा, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, बी से कहाँ जा रहा है ये, ए की तरफ, ये बन जाएगा ये वेक्टर। तो F12 इज इक्वल टू, इज वेरी इंपॉर्टेंट, Q1 Q2 बटे क्या बना ये बोलो, ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गई मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड आर है, डायरेक्शन R21 है, तो ये बन गया डायरेक्शन इधर से इधर है कि इधर से इधर है, बी से ए की तरफ है, तो ये बन गया बी ए वैक्टर, ये चीज़ बन गई बी ए वैक्टर ये, और ये उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया आर, ये वैक्टर हटा दिया तो मैग्नीट्यूड रह गया। कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऐसे, और मोडुलस है ना, और लेकिन पावर कितनी है इसकी, यहाँ से तो रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ ट्राइंगल लॉ लगाएंगे आप ये ओ ए बी में, सो इस ट्राइंगल में लगाएंगे ट्राइंगल लॉ ओ ए बी में, तो बताओ क्या होता है ट्राइंगल लॉ, ये हो गया शुरू वाला वैक्टर, यहाँ ये ख़त्म हो गया, दूसरा यहाँ से शुरू हो गया, तो इन इसका और इसका रिजल्टेंट होगा ये। ठीक है, तो ओ बी प्लस बी ए, ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर, ये हो गए शुरू वाले दो, मतलब ए प्लस बी जैसे तक कराते थे ट्राइंगल लॉ में, इज इक्वल टू रिजल्टेंट वैक्टर, रिजल्टेंट वैक्टर हो जाएगा ओ ए, ए लिखा मैंने यहाँ इक्वल टू ओ। ठीक है जी, अब मेरे को यहाँ बी ए चाहिए, तो बी ए क्या हो जाएगा यहाँ से, ओ ए माइनस ओ बी, समझे। अब मेरे को कौन बताएगा कि ओ ए कितना है, ओ ए तो पोजिशन वैक्टर है चार्ज क्यू वन का, कितना है आर वन, इसी जगह लिख देंगे आर वन वैक्टर। ओ बी किसका है, ओ बी पोजिशन वैक्टर है चार्ज क्यू टू का, तो ये आ जाएगा आर टू वैक्टर ये, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मॉडुलस में बंद कर दो दोनों तरफ, आर वन माइनस आर टू, और ये बंद हो गया, बस हो गया है ना। इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो, इसको टू बोल दो, चलो देखता हूँ, और इसको थ्री बोल दो, दो और तीन को एक में पुट कर दो। ठीक है, मतलब अब बी ए वैक्टर की जगह आपने ये लिखना है, बी ए वैक्टर की जगह ये, और कौन बताएगा कि बी ए वैक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह के लिखना है, तो लिख दो, सो ये आ जाएगा आपका, देखो सो ये होने वाला है, बोलो जी क्या होने वाला है, सो दिस इज योर फॉर्मूला। तो F12 हो जाएगी यूजिंग 2 and 3 इन वन, तो आ जाएगा F12 इज इक्वल टू, हाँ k की वैल्यू मैंने बताई थी, बोलो k की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे बी ए की वैल्यू, ये देखो ए की वैल्यू कितनी है, ये जो है ओ ए माइनस ओ बी थी, और कितनी है R1 - R2 ब्रैकेट में R1 vector - R2 vector ऐसे अपॉन मॉडुलस, और उसकी पावर कितनी है, ये देखो ये 3, तो बी ए वैक्टर की इसकी वैल्यू पुट करो R1 - R2, तो ये आ जाएगा, समझे। सिमिलरली यदि F21 लिखना है ना आपको, ये 1 2 लिख दिया मैंने, तो इसमें देखो कूलम्स लॉ ही लिखा मैंने अभी, लेकिन इसमें ये देखा कि R1 R2 पोजीशन वैक्टर्स हैं, R1 पोजीशन वैक्टर है Q1 का और R2 पोजीशन वैक्टर है Q2 का, तो पोजीशन वैक्टर्स के रूप में यदि कूलम्स लॉ को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं F21 कैसे लिखूँगा, सिमिलरली यू कैन राइट F21। F21 में मैंने बोला जाना वेक्टर्स लगे हैं, 1 की जगह 2 कर दो और 2 की जगह 1 कर दो, तो बताइए कहाँ हैं ये। सिमिलरली इसी तरह F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, जहाँ जहाँ वैक्टर्स लगे हैं वहाँ 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, यहाँ 1 है यहाँ कर देंगे 2, माइनस यहाँ 2 है
यहाँ कर देंगे बात, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है जी, तो ये था कूलम्स लॉ को लिखना इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर और पॉइंट चार्जेस, ऐसे करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट में। तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उनको आपने याद रख लेना है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा जी, चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन। ऐसे मान लो लाइन है, इसके ऊपर एक क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है, और लेंथ कितनी है इसकी, एल। सो यहाँ आती है लीनियर चार्ज लेंथ, उसको बोलते हैं क्यू अपॉन एल। तो यूनिट पूछ लिया, तो कूलम पर क्या हो जाएगा, मीटर, इसका कूलम और इसका मीटर, ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यदि मैं इसी वायर को मोड़ के ऐसे रिंग बना दूँ, तो रिंग की रेडियस में आर ले लूँ, तो अब ये चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिंग के ऊपर, ये कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू। तो कौन कहेगा लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन लेंथ। लेंथ इस केस में रिंग की परिधि बन जाएगी, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई। ठीक है, दूसरी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नाम से क्लियर है कि एक सतह के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो ये कोई शीट है, ये है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लो पॉजिटिव चार्ज कितना कर दिया, क्यू, और इसका एरिया कितना है, मान लें शीट का ए है ना, तो क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस हैविंग एरिया कितना ए। तो यहाँ जो आएगी वो आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका सिंबल होता है सिग्मा, वो आएगी क्यू अपॉन कितने एरिया पे ए। ठीक है, जैसे मान लेते किसी स्फेरिकल शेल में, कंडक्टर में, किसी स्फेरिकल शेल में रेडियस उसका आर है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है ऐसे सरफेस पे, ठीक है, कितना करा है क्यू, तो बताओ इसका सिग्मा कितना होगा। सिग्मा होता है कितना चार्ज करा है डिस्ट्रीब्यूट, क्यू बटे कितने एरिया पे, तो व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हॉलो स्फेरिकल शेल है ये, 4 पाई आर। और इसका यूनिट पूछ लिया, तो इसका यूनिट होता है कूलम, चार्ज को कूलम हो गया, और एरिया का क्या होगा, मीटर ऊपर आके -2, एरिया होगा मीटर स्क्वेयर ऊपर आके मीटर पर स्क्वेयर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है, देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से क्लियर है कि सर्टेन वॉल्यूम पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम ये कोई बॉडी है मान लेते हैं, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड इट क्यू। कितना वॉल्यूम है इस बॉडी का मान लेते हैं, तो यहाँ एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको बोलते हैं रो, ये होती है कितना चार्ज क्यू बटे कितने वॉल्यूम पे। ये जैसे मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है तो अंदर भी चार्ज होगा ये, और इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, तो इसका सिग्मा कितना होगा बताओ, चार्ज क्यू है मान लेते हैं इनसाइड, तो रो, सॉरी सिग्मा नहीं, रो होगा इसका, क्यू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 πr³। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सर्टेन वॉल्यूम। ठीक है, सो एक मैं थोड़ी सी रह गई एक चीज़ मेरे से, कि चार्जिंग करने के तीन तरीके बताए थे मैंने, एक तो बताया था चार्जिंग वाई फ्रिक्शन, वो हमने समझा दिया था रबिंग से चार्जिंग होती है, दूसरा बताया था चार्जिंग वाई कंडक्शन। कंडक्शन में सिंपल है कि एक न्यूट्रल बॉडी है, सेम साइज़ की बात कर रहा हूँ, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक ये है बिल्कुल इसी की तरह, ये दूसरी है। ठीक है, तो यदि ये आइडेंटिकल हैं, यदि ये बॉडीज आइडेंटिकल हैं, तो फिर एक मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड है, चार्जिंग वाई कंडक्शन बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, फ्रिक्शन से तो जैसे ये इसके ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इसको फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाएंगे इसके साथ, आइडेंटिकल शेप के दोनों, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ऊपर। ठीक है, सो थोड़ा सा मतलब इक्वली शेयर करेंगे ये चार्जेस। तो यदि मान लेते हैं इस बॉडी पे चार्ज था, मान लेते हैं पहले ये चार्ज था +4q, तो अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे आप, तो आपको यहाँ +2q मिल जाएगा, और यहाँ भी इसको सेम चार्ज मिल जाएगा +2q, ये होगा, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। मतलब कंडक्शन में एक न्यूट्रल बॉडी को
इट इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल कंडक्टर एंड इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद चार्ज कंडक्टर। ठीक, बेसिकली यहाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करा, इस बॉडी से फ्री इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने इन दो को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव मूव थोड़ी करता है ना, इसलिए हुआ क्या, जब इस बॉडी को बॉडी ए थी मान लेते हैं, बी थी, जब बी को ए से टच में लाए तो बेसिकली बी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करे, तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ प्रोटॉन बढ़ गए, मीन्स पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी बॉडी। लेकिन कब तक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, जब तक कि दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज ना हो जाए। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ तीसरी चीज़ थी कि बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन में आपने सिंपल चीज़ याद रखनी कि जैसे मान लेते हैं ये कोई एवोनाइट रॉड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इसके नज़दीक एक न्यूट्रल कंडक्टर लेके आएंगे, ऐसे इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है मान लो। सो आपको पता ही है कि ये नेगेटिवली चार्ज नज़दीक लाना, आपस में कॉन्टैक्ट नहीं, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, इंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, सो मुझे बताओ कि यहाँ नेगेटिव है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस फेस ए से बी की तरफ चले जाएंगे एंड ए से बी की तरफ चले जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ उनकी कमी हो जाएगी, तो कमी हो जाएगी यहाँ, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव। यहाँ का फिगर ही क्वेश्चन है कि इंडक्शन से कैसे बॉडी चार्ज होती है। एक न्यूट्रल कंडक्टर आपने एबोनाइट रॉड जो ऑलरेडी रब करी थी आपने बूल के साथ, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता था, नेगेटिव। सो नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके नज़दीक लाए, तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन एंड से बी की तरफ मूव कर जाएंगे, रिपल्शन मिलेगा ना उनको, इसलिए। अब आपने दूसरे केस में यहाँ पे फिंगर से टच कर देना है, तो दूसरे केस में आपने ऐसे रखना रॉड को, नेगेटिव 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 इसको ऐसे रखना, लेकिन यहाँ जो था ये दूसरे केस में आपने इसको टच कर देना है, यहाँ से बोल दो कि यहाँ अर्थिंग कर देनी है, अर्थिंग का सिंबल ये होता है। ठीक है, अर्थिंग से ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अर्थ में फ्लो कर जाएंगे ऐसे, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, क्या था यहाँ पॉजिटिव बी फिगर, और सी फिगर में फिर आपने एबोनाइट रॉड है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी भी यहाँ से हटा देनी है, तो फिर ये आपकी बॉडी ऐसे दिखेगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर आपने देखा कि बॉडी को कैसा चार्ज मिल गया, पॉजिटिव। सो इंडक्शन से चार्जिंग ऐसे होती है। ठीक है, एक बार फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडीज के नज़दीक लाओ, दिस वाज योर अनचार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो इसमें जैसे ही नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो एंड ए से बी की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करे, यहाँ उनकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, नहीं पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ वो बढ़ गए वहाँ नेगेटिव चार्ज। दूसरे केस में इस बी एंड को, ये एंड ए था और ये कौन था, बी एंड को फिंगर से टच कर दो, ह्यूमन बॉडी के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थ में फ्लो कर जाएंगे, यहाँ से बोल दो इसकी अर्थिंग कर दी आपने एंड बी की, अर्थिंग कर दी तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ये कहाँ फ्लो कर गया, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर गए, अर्थ में। अर्थ ये ह्यूज कंडक्टर, इसमें जितना मर्जी चार्ज आप डाल दो, जितना मर्जी वहाँ से निकाल लो, उसकी कैपेसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरे केस में फिर आपने इस एबोनाइट रॉड को, इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है, सो एबोनाइट रॉड जो थी ये ऑलरेडी रब करी थी आपने बूल के साथ, तब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, वो वाली लेके आनी इसके नज़दीक। तो देखो भाई, फिर आपने यहाँ से एबोनाइट रॉड को हटा दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरी बॉडी भी अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ऐसे होता है इंडक्शन से। और यदि आपने यहाँ इसको इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो यहाँ रॉड लानी पड़ेगी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि लास्ट रॉड ऑलरेडी रब करी थी सिलेक्ट के साथ, वो लेके आएंगे यहाँ, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये थे तीन तरीके चार्जिंग के, एक होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाई यूनिफिकेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, लास्ट वाला होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है जी।